बुंदेलखंड के महोबा में बीते दिनों सरकारी विद्यालय में अचानक अजीबोगरीब हरकतें करते हुए बीमार हुई 15 छात्राओं के मामले में स्कूल के अंदर भूत प्रेत का साया होने की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। देखिए इरफान पठान की एक खास रिपोर्ट। तन में सफेद साड़ी और सर पर काली चुनरी ओढ़े महिला का भूत पायल बजाकर डरा रहा है, तो वहीं स्कूल परिसर में बने हनुमान मंदिर की दीवार को भगवान हनुमान के नेत्रों के बाधित होने से जिन्न और प्रेत की हरकत बताई जा रही। अधिकारी भी इस पूरे मामले में अजीबोगरीब बयान देकर छात्राओं का मनोचिकित्सक से इलाज कराने की बात कह रहे हैं, तो तांत्रिक भी इसे जिन्न शैतान का साया बताकर अब झाड़ फूक करने से ही हाथ खड़े कर रहे हैं। विद्यालय के जिस परिसर में यह घटना घटित हुई है वहाँ अब ताला लटका है, जहाँ बच्चे जाने से डर रहे हैं। इस घटना के माहौल में तकरीबन 236 बच्चों के सापेक्ष सिर्फ 8 से 10 बच्चे ही स्कूल आए। महुआ जनपद के पनवाड़ी विकास खंड में आने वाले महुआ गांव में संचालित कंपोजिट विद्यालय के कन्या प्राथमिक विद्यालय परिसर में पिछले रोज 15 छात्राओं के अचानक चीख पुकार मचाने और अजीबोगरीब हरकतें करने के मामले में स्कूल पर भूत प्रेत का साया होने की गाँव में चर्चा से दहशत और सन्नाटा पसरा। यही नहीं, परिसर में तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक भी कराई गई थी। आपको बता दें कि मिड डे मील योजना के दौरान अचानक कक्षा 7 में पढ़ने वाली प्रियंका और सौम्या ने मिड डे मील की थाली फेंक कर चिल्लाना शुरू किया था। इसे देखकर अन्य छात्राएं भी चीखने चिल्लाने लगी। छात्राओं को सफेद साड़ी पहने सर पर काली चुनरी ओढ़े एक महिला दिखाई दे रही थी जो पायल बजा कर बुलाती है, जिसे देख कर छात्राएं चीख चीख कर रोने लगती है। छात्रा सौम्या की अभी भी तबीयत खराब है और तांत्रिक से इलाज करवाया जा रहा है। छात्राएं अभी भी डरी हैं। यही वजह है कि स्कूल में बच्चियों की संख्या अब ना के बराबर है। किस क्लास में हो आप? 7वीं। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था बाबू? पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा, क्या दिख रहा था आपको? भूत। भूत? हाँ। कैसा था? सफेद साड़ी वाला। सफेद साड़ी, महिला थी पुरुष था? महिला। और कुछ पहने थी सफेद साड़ी के अलावा? कुछ कह रही थी आप? काला दुपट्टा। कुछ कह रही थी आपसे? पायल बजा रही थी बस। अच्छा, तो वो आपने देख लिया था तो डर गई थी आप। स्कूल नहीं जा रही आप? स्कूल क्यों नहीं जा रही? अब जाएंगे, अब सही तो हो जाए हम। अच्छा, अभी दिख रही वो? अब कहाँ से दिखेगी। आप ठीक हो? आप कितने बच्चे बीमार हो गए थे? 15 बच्चे, सब लड़कियां थी। हम खाना खा रहे थे, अपना टिफिन खोल रहे थे, बस टिफिन खोला और प्रियंका ने, हमने बोला प्रियंका खा लो, तो प्रियंका ने खाया और उसने फेंक दिया, पता नहीं फिर वो लौटने लगी। अच्छा, तो आपको भी कुछ हुआ था? फिर हमें पता नहीं। आपको याद नहीं है? कुछ अजीब होता है कुछ? अब तो कुछ नहीं लगता। इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं में डर है। अजीब है कि कंपोजिट विद्यालय में छात्राओं के अलावा छात्र भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ लड़कियों की ही तबीयत खराब होना इस डर को और भी बढ़ा रहा है, तो परिवार के लोग भी स्कूल के अंदर जिन और भूत का साया मान कर चल रहे हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजने से अब उन्हें डर लगता है। ग्रामीण भी स्कूल में भूत प्रेत का साया हटाने के लिए बंदेज कराने की बात कह रहे हैं। इस विद्यालय में तकरीबन 336 बच्चों का एडमिशन है, इसके सापेक्ष आज 8 से 10 बच्चे ही स्कूल पहुंचे और वह भी डरे हुए थे। छात्रा रौनक की परिजन रामश्री बताती है कि स्कूल में ऐसा डर है कि लड़की को अब भेजने में भी खौफ लगता है। भूत का साया बच्चों को परेशान करता है। उनकी लड़की की तबीयत बामुश्किल ठीक हो पाई है। स्कूल में झाड़ फूंक कर बंदेज कराना होगा, साथ ही देवता का दरबार लगाकर पूजा पाठ करानी होगी, तभी ये डर खत्म हो पाएगा, ऐसा कहना है इन ग्रामीणों का। जाने का ही लगा सब डर, को डर वो आते को है होते, अब सबका छू सब पूजाने गांव के आदमी देखे भी कि का है ते का डर आती। गांव में का चर्चा हो रही है? ये सही हो रही गांव में कि कछु है होते, जब तो डराती नहीं, कैसे डरा दिया, मैं तक ना डरानी का हो सका कुछ। सब को बंदेज कराओ स्कूल को, हां के लवा नहीं तो कहूं दियो तन है पूछवा कि का है। छोटी बच्ची हमारी कक्षा 5वीं पढ़ती है, वो पहुंची बोले के जाने स्कूल में क्या होगा, भुतनी भुतनी चल ला रहे बच्चे, तो हम भाग नहीं, तो मास्टर 3 लोग परेशान थे और बच्चों को पकड़ते रहे,
पकड़ के बाहर निकाला और फिर जो है एम्बुलेंस आने लगी। आप लोग क्या मानते हैं क्या हो सकता है? अब हम देखकर क्या लगता है? हमें तो कुछ पता नहीं चला सर। देखकर क्या लगता है? वही विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक संजय बताते हैं कि छात्राओं के साथ बीते दिन हुई घटना से बच्चों की संख्या भी बहुत कम हो गई। कि विद्यालय परिसर में बने भगवान महावीर के मंदिर की पिछले हिस्से पर दीवार बनाए जाने से उनके नेत्र बाधित हो गए, जिससे कन्या प्राथमिक विद्यालय के परिसर में जिन्न और भूत का साया देख रही है। दीवार हटाए जाने के बाद ही यह बाधा दूर हो। कन्या प्राथमिक विद्यालय 1973 का बना हुआ एक विद्यालय, जिसमें इस पुरानी इमारत में जिन्न का साया हो गया। इसे हटाने का उपाय तांत्रिक ने बताया। मिड डे मील भोजन छात्राओं ने नहीं खाया और इससे पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ी। इसी महिला का साया देखने की बात बताई जा रही। तांत्रिक के इलाज से ही छात्राओं को लाभ मिलता नजर आ रहा है, ऐसा भी यही ग्रामीण मान रहे हैं। बच्चे कम आ रहे हैं ये बच्चे गिर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है जी। मतलब बच्चों में इतने व्यस्त थे कि उनको उठा रहे थे, पता चला वो गिर गई, वहाँ भाग के जा रहे थे, यहाँ भाग के आ रहे थे, एक के बाद एक। कितने बच्चे हो गए थे गिरते हुए एक दूसरे के, और हरकतें किस प्रकार कर रहे थे? अजीब, वो चिल्ला रहे थे और लोट रहे थे यही मिट्टी में। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके विद्यालय में? जी सर्वप्रथम 19 तारीख को जो है हमारे विद्यालय में प्रातः प्रार्थना हुई। प्रार्थना के समय दो बच्चियां मुझे सुस्त टाइप की दिखी, तो ये बच्चियां मुझे सुस्त दिखी तो मैंने इनको कहा कि आप इनको बैठा ला, फुसलाया। फुसलाने के बाद जो है उनको घर भेजने के लिए कहा, तो थोड़ी देर बाद बच्चियाँ बोली नहीं सर हम ठीक हैं, हम बैठेंगे। तो वो क्लास में बैठ गई, विद्यालय विधिवत संचालित होने लगा। संचालित होने के बाद जब ज्यों ही लंच का टाइम हुआ मध्यावकाश, तो उसी समय बच्चियों को थाली परोसी जा रही थी क्रमबद्ध तरीके से, तो उसी समय एक बच्ची कुमारी प्रियंका ने सबसे पहले थाली फेंक दी। थाली फेंक करके चीखने लगी और चिल्ला करके रोने लगी। क्या बोली? बोली कुछ नहीं सर, वो रोने लगी एकदम से और हाथ पैर फड़फड़ाने लगी, एक अजीब स्थिति करने लगी। हम लोगों ने उसको संभाला, संभालने के बाद जो है तुरंत दूसरी बच्ची उसी हरकत में आ गई, तीसरी बच्ची हरकत में आ गई। इसी प्रकार से उनकी संख्या बढ़ती गई और टोटल संख्या 15 हो गई। तो फिर मैंने जो है डॉक्टर साहब को फ़ोन किया अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ में, तो तत्काल वो भी आए अपनी टीम के साथ। उन्होंने देखा कि ये तो स्थिति गंभीर है और मेरे काबू से बाहर है, तो उन्होंने जो है एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मैंने अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में दिया। संज्ञान में देने के उपरांत सभी प्रसाद नहीं सर, खाना खा ही नहीं पाया उन्होंने, थाली परोसी जा रही थी, खाना निकला नहीं था, इसके पूर्व ही ये समस्या आ गई उनकी तबीयत। फिलहाल इन बच्चों का इलाज करने वाला तांत्रिक ग्यासी पासवान कहता है कि उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बच्चों को ठीक ठाक करने का प्रयास किया है, मगर एक के बाद एक मस्ती चीख पुकार से वो सबको काबू नहीं कर पाया, क्योंकि जिन्न शैतान बड़े ताकतवर। बच्चों के ऊपर एक जिन्न और एक भूत का साया है। उसने गांव में मैकासुर बाबा का दरबार लगाकर गांव चाकने की बात कही, मगर ग्रामीणों ने ऐसा नहीं किया। इसको लेकर उसने बताया कि अब यह शैतान उसके बस से बाहर हो गया है। इसमें एक जिन्न और एक शैतान है जो पलटी मार रहे हैं, वही इन बच्चियों को परेशान कर रहे हैं। यासी पासवान, क्या लगता क्या बच्चों को हो गया था उस समय? हमारे उसमें ये आया था कि उसमें शैतान जिन्न था, तो हमारे काबू में नहीं था, तो हमने आप इनसे जो कह रखा था गांव वालों से कि भैया आप वहां पे अपना जो हमारे यहाँ दरबार लगता है मैकासुर बाबा का, हमने वहां के लिए बोला था कि मैकासुर बाबा का आप दरबार लगवाइए और गांव चाकिए, गांव चाकते नहीं आप इस बच्चों को आराम लगिए। तो गांव वालों ने उनने जाके दूसरे दरबार लगवा दिया, मैकासुर बाबा नहीं आए, तो हमारे वहाँ से कोई काबू नहीं था, तो हमने अपनी दूसरी जगह भेज दिए थे। जो हमारे पास बच्चे थोड़ी बहुत कम थे, हमने उनको झाड़ फूंक में 5 बच्चे हमने ठीक कर दिए। इसके बाद सारे बच्चे इकट्ठे आ गए, तो एक इधर से कीकरा, एक उधर से कीकरा, तो हमारे काबू से बाहर हो चुका था, तो हमने बच्चों से सबसे मने कर रखा। उसमें ये है कि आप हमारे समझ में आ रहा है एक जिन एक शैतान दो लोग, तो वे अपनी पलटी मारते हैं,
पलटी में हमारे पकड़ाई आनी रहे तो हमारे काबे से बाहर हो गए। हमने उनको मना कर दिया कि भाई आप कहीं भी देखवा सकते हो। गांव के घर घर और गली में भूत प्रेत की चर्चा हो रही है। गांव के रास्तों में पसरा सन्नाटा भी यहां के डर को बताने के लिए काफी है। वहीं ग्राम प्रधान का पति फूल सिंह मानता है कि विद्यालय में कोई भी भूत प्रेत का साया है। गांव के लोग अधिक कहेंगे तो बंदेज भी कराया जाएगा। साथ ही भगवान महावीर के मंदिर के पीछे दीवार को हटाकर बाधा दूर करने की बात कही जा रही है। इस घटना के बाद से उस हिस्से को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जहाँ पर छात्राओं के साथ अजीबोगरीब हरकत हुई। परिसर में न केवल सन्नाटा है बल्कि अध्यापक कक्षा से लेकर उस क्षेत्र के सभी कक्षों में ताला डालकर बंद कर दिया गया है। लोगों में चर्चा है कि विद्यालय में लगे हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और उससे पानी भी निकलता है। विद्यालय का मुख्य गेट भी तेज हवाओं के साथ खुद खुल जाता है। ऐसा लगता है कि ग्रामीण कोई फिल्मी भूत या कहानी सुना रहे हो। अजीब चर्चा हो रही है, क्या चर्चा? चर्चा ये हो रही है कि यार कल यहाँ देवता भी लगी थी, दरबार भी लगा था, रात में गांव वालों ने लगवाया था, लेकिन वे नाखुश हो गए कि हमारे बस की बात नहीं है। जी हाँ, बोले हमारे बस की बात नहीं है, ज्यादा बड़ा हमसे ज्यादा बड़ा है। हाँ, वहाँ बताया था दरबार ने, मैंने कहा सुनने कि वहाँ जिंद है, जिंद है। वो जो स्कूल मंदिर है नहीं, जो पुराना स्कूल बना है प्राइमरी, वो करीब 30 साल से पुराना है, वो मट भी गया है, ताला भी लगा है, उसमें जिंद आ गया है। हाँ, व्यवस्था करेंगे का बताओ। अब जो कुछ दरबार दरबार बताएगा कि रोड चढ़वाइए या पूजन करिए, कुछ ना कुछ करिए, वो सब काम हर तैयार है। फिलहाल 21वीं सदी के बाद भूत के डर में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, मगर जितना मुंह उतनी बातें ग्रामीण कर रहे हैं। वैज्ञानिक लिहाज से परे यह मामला अब पूरे जनपद में चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी BSA अजय कुमार मिश्रा भी इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी माने तो छात्राओं को सफेद साड़ी लपेटे एक महिला दिख रही, इसे देख कर वो रो देती है। किसी भी छात्रा ने मिड डे मील का भोजन नहीं किया, ऐसे में खाना खाने से बीमार हो जाना गलत। बच्चों के इलाज के लिए उन्होंने मनोचिकित्सक की व्यवस्था किए जाने की बात कही। फिलहाल BSA अजय कुमार ने क्या और क्या कहा BSA अजय कुमार ने, आप खुद सुनिए। क्या है पूरा मामला? देखिए, जब हम गए थे वहाँ तो बच्चियों को CSC में भर्ती करा दिया गया था, बच्चियाँ स्वस्थ हैं। उन्होंने MDM नहीं खाया था, जो बच्चियाँ वहाँ बीमार हुई हैं 15, उन्होंने MDM नहीं खाया था। और बच्चियाँ कहती हैं कि सर हमको वाइट साड़ी पहनकर कोई बुला रहा है, ये कह के रोती हैं। और बच्चियाँ इस समय स्वस्थ हैं, जो बच्चियाँ बीमार हुई हैं उन्होंने MDM भी नहीं खाया था, जो बच्चे MDM खाए थे वो बीमार नहीं हुए। सर कितनी छात्राएं ऐसी थी? 15 अचानक बीमार पड़ गई। 15 थी, बस वो रोती हैं, उनको और कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको साइकेट्रिक को भी दिखा देंगे, वहाँ ऐसी दिक्कत लड़कों को नहीं है, बस को लड़कियों को ऐसी दिक्कत हो रही है। सर क्या लग रहा है आखिर? अब देखिए भाई, अंधविश्वास तो हर जगह है, उस पर तो मैं उनका व्यक्तिगत विचार सबका है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम बच्चों को जो है अच्छा ट्रीटमेंट कराएंगे। फिलहाल भूत हो या ना हो, लेकिन डर जरूर है कि लोग रात में दरवाजे लगाकर घर के अंदर घुसते हैं तो सुबह सूरज निकलने तक गांव में कोई नजर नहीं आता। लोगों की दिनचर्या भी काफी मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि लोग अब इस स्कूल को भूत या स्कूल मानने लगे हैं। न्यूज़ BK के लिए महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट।